ग्लोब स्पोर्ट्स मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। श्रीमती डॉक्टर फौजिया खान, सांसद परभनी ने महामारी के दौरान ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी ने स्पोर्ट्स अवेयरनेस के लिए जो कार्य किए हैं उस पर अपने विचार प्रकट किए और ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी ने लॉकडाउन के पीरियड में जो कार्य किए हैं वो वाकई में प्रशंसनीय हैं। महामारी के चलते एकेडमी ने जो फील्ड वर्क किया है, जो सामाजिक कार्य किए हैं, उसका मकसद जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और उनका मनोबल बढ़ाना था। ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी ने युवाओं में खेल व फिजिकल फिटनेस के प्रति ऊर्जा व रुचि निर्माण करने का काम भी किया है, जो सराहनीय है। इस अवसर पर सैयद शकील, जनरल सेक्रेटरी ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी ने ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स टैलेंट हंट एंड नर्चर फाउंडेशन के कार्य की रिपोर्ट पेश की। इस अवसर पर अनवर खान, रिटायर्ड PSI और ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी के प्लेयर्स और सभी सदस्य उपस्थित थे। आइए आगे हम सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर फौजिया खान को। स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स टैलेंट हंट एंड नेचर फाउंडेशन, ये दोनों संस्थाओं की तरफ से जिस तरह के स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। इन्होंने सारे इंडिया से अलग अलग स्पोर्ट्स के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स लिए, जिसमें मोर देन 1500 पार्टिसिपेंट्स और 1200 पार्टिसिपेंट्स ऐसा इन्होंने अलग अलग इवेंट्स में इन्वॉल्व किए। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये ऐसी एक्टिविटी परभनी से हो रही है। इसके अलावा फुटबॉल है, फुटसाल है, फ्लोरबॉल है और क्रिकेट है। ये सब स्पोर्ट्स के अंदर इनके जो बच्चों को ट्रेन करके उनको स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए जो कोशिश हो रही है, ये भी मुझे लगता है कि परभनी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हो रही है। इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ होते रहे तो दूर नहीं है कि परभनी का नाम हम इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जाए। तो आप सबको इसके लिए मैं मुबारकबाद देती हूँ, गुड विशेस देती हूँ कि इसी तरह आप करते रहिए। और हमारी तरफ से जो भी मदद इसके लिए आप लोगों को चाहिए, वो मदद के लिए हम लोग हमेशा रहेंगे और आप लोग सब मिलके बेहतरीन काम स्पोर्ट्स में करते रहिए। ऑल द बेस्ट।